हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रीटा सड़का में। और आज हम बनाएंगे बंगाल की बहुत ही फेमस स्वीट डिश जिसका नाम है भप्पा धोई। भप्पा मतलब भाप और धोई मतलब दही। भाप से बनने वाली ये दही है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में, और बनाना इसे बहुत ही सिंपल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए हंकड़। तो दही को आपको लेना है और किसी भी कपड़े में लपेट के इस तरीके से रख देना है जैसे आप देख रहे हैं, और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। लेकिन इस पानी को आप फेंकिएगा मत, इस पानी को आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी का। और अब इस हंगर्ड को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब दही को आपको लपेट के रखना है इस तरीके से कपड़े में, 4 से 5 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब हम एक बार इसे अच्छे से फेंट लेते हैं और आप देख सकते हैं दही एकदम क्रीमी सी हो गई है। और इसे फेंटने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। तो मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 1 कप हंकर्ड ले रहे हैं तो उसमें आपको 1/4 कप यहाँ पे कंडेंस मिल्क डालना है। इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब अगर आपको मीठा कम है तो आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर। तो केसर को मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी में भिगो दिया था, आप दूध में भी भिगो सकते हैं। 1 चम्मच दूध लें, उसमें केसर को थोड़ी देर के लिए भिगो दें, वो डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और फिर से हम इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखिए, फेंटने के बाद ये एकदम इस तरीके से क्रीमी सी हो जाएगी। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम ले लेंगे 2 कटोरी, और कटोरी को हम ग्रीस कर देंगे घी से। हल्का सा घी लगाना है बस नीचे इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। अब हम इस दही को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे कटोरी में डाल देंगे, ऊपर तक पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप दही ली थी जिसको मैंने कपड़े में लपेट के रखा था, और पानी निकलने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 कप से थोड़ा सा कम दही बचा था। और इतने दही में 2 कटोरी ये भप्पा दही बन के रेडी होगा। कटोरी में डालने के बाद हल्का सा इसको टैप कर देंगे, और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप इसकी जगह पे पिस्ता भी डाल सकते हैं या बारीक काट के किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इस दोनों कटोरियों को हम इस तरीके से फॉइल से कवर कर देंगे, क्योंकि हमें इन्हें भाप में पकाना है तो फॉइल से कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, दोनों कटोरियों को फॉइल से कवर करने के बाद अब हम इसे पकाने के लिए चलते हैं गैस की साइड। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कढ़ाई में पानी गरम करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छा गरम हो जाना चाहिए, जैसे हम इडली बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे भाप में पकाना है। तो पानी डालने के बाद आप कोई भी स्टैंड रख देंगे और फिर इसके ऊपर रख देंगे कोई भी प्लेट। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम है, अब इसके ऊपर हम रख देंगे दोनों कटोरियों को और इसे ढक के हम 15 मिनट तक इसको भाप में पकाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, गैस को मीडियम फ्लेम पे करना है और घड़ी देख के 15 मिनट तक आपको इसे पकाना है। तो 15 मिनट तक पकने देते हैं, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और अब इन दोनों कटोरियों को हम इसमें से निकाल लेते हैं। बस आपको घड़ी देख के इसे 15 मिनट तक बस स्टीम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब इन दोनों कटोरियों को निकाल लेते हैं और फिर भी हम इसे एक बार चेक करेंगे कि ये भाप में अच्छे से पकी है या नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अभी ये काफ़ी गर्म है, तो ऐसे आप हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं दही बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, मतलब अच्छे से सेट हो गई है, मतलब अच्छे से भाप में पक चुकी है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये दोनों कटोरियाँ हल्की सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब यहाँ पर ये दोनों भप्पा दही अच्छे से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं और ये फ्रिज में से निकालने के बाद बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है और अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। और इसे आप ठंडा ठंडा ही सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप कटोरी को उल्टा करेंगे, हल्के हाथों से टैप करेंगे, ये ईजीली बाहर निकल जाएगी। ये देखिए कितनी क्रीमी बनी है। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ ही में थोड़ी सी केसर भी डाल देंगे। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या आपके घर में मेहमान आए, आपको कुछ मीठे में अगर बनाना है तो एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।